हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं? आज मैं बात करने वाला हूँ OnePlus Nord 3 5G के बारे में। पहले तो मैं इसकी रेटिंग की बात कर लेता हूँ, जो कि मैं अपनी तरह से इसे रेटिंग देता हूँ 4.5 की। आगे चल के आप लोगों को फाइंड आउट हो जाएगा क्यों इसे 4.5 की रेटिंग दिया गया। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अनबॉक्सिंग करने से पहले इसमें देखने को मिल जाता है 3 times Nord Nord Nord, जो कि Nord 3 को रिप्रेजेंट करता है। वेपर रिमूव करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ डॉक्यूमेंटेशन, स्टिकर, केस एंड सिम इजेक्टर। अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, तो चलिए इसे पहले साइड कर लेते हैं। बात कर लेते हैं इसके बॉडी वेट के बारे में, जो कि 191.7 ग्राम देखने को मिलता है। बैक पैनल गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन, फ्रंट साइड ड्रैगन ट्रेल प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। इन राइट साइड अलर्ट स्लाइडर एंड पावर बटन, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम रॉकर, अपवर्ड डायरेक्शन में माइक्रोफोन, आईआर ब्लास्टर, स्पीकर ग्रिल, डाउनवर्ड डायरेक्शन में सिम इजेक्टर, यूएसबी टाइप सी पोर्ट एंड स्पीकर ग्रिल देखने को मिलता है। अगर बात कर लेते हैं डिस्प्ले के बारे में, तो 6.74 इंचेस एमोलेड स्क्रीन, 1.5K रेजोल्यूशन, 120 हर्ट्ज HDR डिस्प्ले रिफ्रेश रेट विद इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और हम वाटरप्रूफ रेटिंग के बारे में बात करें, तो IP54 का रेटिंग दिया गया है, जो कि काफी अच्छा माना जाता है। बैटरी 5000 mAh, जो कि 40 मिनट में फुल चार्ज हो जाती है, जो कि अप्रॉक्स 1 से 1.5 दिन तक आराम से चल जाती है। 80 वाट सुपर फास्ट चार्जर विद USB A to C केबल मिलता है। कैमरे की बात करें तो 50 megapixel प्राइमरी कैमरा विथ OIS, 8 megapixel अल्ट्रा वाइड कैमरा एंड 2 megapixel माइक्रो कैमरा, फ्रंट कैमरा 16 megapixel। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात कर ले तो 4K 60fps में रिकॉर्ड कर सकते। सॉफ्टवेयर जो है लेटेस्ट ऑक्सीजन OS 13.1 एंड्रॉइड वर्जन 13, प्रोसेसर मीडिया टेक डायमेंसिटी 9000 पर बेस्ड है। एंड फाइनली बात कर लेते हैं प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में, जो कि 8GB प्लस 128GB स्टोरेज के साथ आता है। इसकी प्राइस जो है 33,999 रुपीज, 16GB 256GB स्टोरेज के साथ 37,999 रुपीज में आती है। तो दोस्तों, अब वक्त हो गया है आप लोग को बताने के लिए क्यों इसे 4.5 की रेटिंग दिया गया। इसमें 3 प्रॉब्लम देखने को मिले हैं, जिसमें से है कैमरा, प्रोसेसर एंड हीटिंग प्रॉब्लम। कैमरा जो है उतना क्लियर नहीं है जितना एक्सपेक्ट किया गया था एज कम्पेयर टू 11R। एंड सेकेंड प्रॉब्लम प्रोसेसर का है, जो कि मीडिया टेक डायमेंसिटी 9000 का मिलता है, जो कि ऑन एवरेज है। मिनिमम क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 तो होना ही चाहिए। थर्ड एंड लास्ट, कंटिन्यूअस प्लेइंग गेम 1 to 2 hours आफ्टर हीटिंग इश्यूज देखने को मिलता है। दोस्तों, इस फोन की प्राइस अप्रॉक्स 25K to 30K होनी चाहिए। प्राइस को लेकर आप लोग क्या थिंकिंग है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी अदर वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।